हेलो व्यूअर्स, कुक किचना चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं रीना आपके लिए आज एक नई डिश लेके आई हूँ। छोटे छोटे बेबी पोटैटो सभी को पसंद है, तरह तरह से बनते हैं और ये इंडियन हाउस होल्ड में, आप इंडिया के किसी भी प्रांत में जाइए, इसको बहुत पसंद किया जाता है और इसकी अनगिनत रेसिपीज हैं, बहुत सारी, सभी रीजन में, सभी, इवन यूपी के हर घर में जाओ तो हर घर का अलग टेस्ट आएगा। बेशक हमने देखा है कि मसाले एक ही पड़ते हैं लेकिन उसका टेस्ट फिर अलग अलग हो जाता है हर जगह पे। तो वैसे ही एक मैं रेसिपी आज लेके आई हूँ, ये भी उत्तर प्रदेश की रेसिपी है। छोटे छोटे आलू हैं, ये इस साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, आप देख सकते हो, इसको मैंने ऐसे दबा लिया है, इसका नाम ही है आलू दबा के। तो ये जो आलू है, छोटे वाले आलू, उनको मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ा कड़क बॉईल, ज़्यादा बॉईल करने से ये ऐसे दबाएंगे तो पूरे टूट जाएंगे, तो थोड़ा सा नरम होते ही उसको गैस को बंद कर दिया और फिर इसको बिना छीले इस तरह से दोनों हाथ के बीच में रख के मैंने ऐसे दबाया, तो ये ऐसी शेप हो गई है इसकी, आप देखिए। ये एक आलू देखिए, तो इसको हाथ के बीच में रख के यूं दबाने से ये ऐसे, इस तरह से आलू बॉईल करने के बाद आप सारे आलूओं को इस तरह से दबा लीजिए। लेकिन ये क्योंकि ये छिलकों के साथ बनता है तो छिलकों को साफ करना बहुत ज़रूरी है, तो बेस्ट है कि इन आलूओं को आप काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक कम से कम पानी में भिगो के रखिए, फिर हाथ से मसल के धोने के बाद अगर आपके पास ब्रश है, एक नया टूथब्रश मैं रख देती हूँ किचन में सिर्फ आलू का स्किन साफ करने के लिए, आप देखेंगे ब्रश से अगर आलू का स्किन साफ करेंगे उसमें से काफ़ी सारा गंद निकलेगा। तो थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन यह कि जहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ का सवाल है तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा वक्त लेके आलुओं को साफ करें और फिर इस तरह से इनको तैयार करें। तो इसमें मसाले जो ये बिना प्याज लहसुन के बनता है, इसमें मसाले वही धनिया पाउडर ज़्यादा, जीरा, हरी मिर्च पड़ेगा, लाल मिर्च पड़ेगा और जो ख़ास चीज़ इसमें जो डलेगी वो है इमली का पानी, जिससे इसमें थोड़ी खटास भी आ जाएगी और ये थोड़ी तीखी और खट्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमको आलूओं को फ्राई करना पड़ेगा, इनको बिल्कुल डीप फ्राई ना भी हो तो काफ़ी अच्छे तरह से बिल्कुल रेड होने तक दोनों तरफ से पलट कर फ्राई करना है। ये सारी कुकिंग हम सरसों के तेल में ही करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इन आलूओं को हम बैचेस में फ्राई करेंगे, इकट्ठे सारे आलू नहीं हो पाएंगे, इसलिए जितने दो या तीन बार में इनको हम फ्राई करेंगे। एक तरफ पूरा अच्छे से हो जाए तब हम इसका पलट देंगे। रेड होने तक हम पलटेंगे नहीं इसको। अब इनको पलटिए, देखिए अच्छे से खस्ता रेड हो गया, एकदम इसी तरह से फ्राई करना है आपको सारे आलू को। तो आलू देखिए सारे ऐसे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तेल में डालेंगे
जीरा, साबुत जीरा, साबुत जीरा, थोड़ी अजवाइन और हींग। हमें पता है प्याज लहसुन जिसमें नहीं पड़ता है अधिकतर उस सब्जी में हींग जरूर इस्तेमाल होती है। ये डल गई हींग। तेल बहुत गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। मसाला डाल के फिर मैं गैस को जला लूँगी। अब ये चीज़ें हो गए टेम्परिंग की और इसके अंदर हम एक डालेंगे सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल दी और जो मसाले इसमें पड़ेंगे वो है एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, जीरा कम धनिया ज़्यादा, और इसमें पड़ेगा हल्दी और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हम कूटी मिर्च डालेंगे, कूटी मिर्च का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। और डालेंगे हम अदरक, ग्रेटेड अदरक भी डालेंगे इसमें। गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी फेंटी हुई दही डाल देंगे। दही डाल के चलाते रहिए नहीं तो दही कर्डल हो जाती है। जब तक इसमें उबाल ना आए इसको चलाते रहिए। अब जब जब दही भुन रही है उसी में हम ये आलू को भी डाल देते हैं और डालेंगे इसमें सॉल्ट। सॉल्ट हमने पहले भी नहीं डाला था इसलिए पूरे आलू के लायक हम सॉल्ट डालेंगे। इसमें तरी नहीं बनेगी, ये लटपटी सब्जी बनती है सूखी, तो उस हिसाब से आपने इसमें नमक डालना है। इसको अच्छे से मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिला लीजिए। इसको आप मीडियम आंच में करेंगे, जो भी करेंगे आप मीडियम आंच में करेंगे। अब इसको हम थोड़ी कूटी मिर्च डालते हैं, इससे बहुत मसालेदार बन जाएगी ये सब्जी। तीखी ये सब्जी थोड़ी तीखी बनती है, तीखी और खट्टी। दही डली है, बाद में हम इसमें इमली का पानी भी डालेंगे। अब तो इसी तरह से बहुत करारी बन जाती है ये सब्जी। अब इसमें हम डाल देते हैं जो इमली को छान के उसका पानी रखा हुआ है वो पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद आप इसका जो नमक है वो टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। खटास भी है, तीखी भी है, नमकीन भी है, बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है इसका। अब इसको सब कुछ साथ मिला के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। बस इन आलूओं को फ्राई करने में टाइम लगता है, बाकी सब्जी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार, थोड़ी लटपटी, हल्का सा जो इसका जो इमली का पानी है इसके ऊपर लगा हुआ है, पूरे मसाले इसके ऊपर डले हुए हैं। अब इस पर हम थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा चल जाता है। डाल के बस हरी मिर्च डाल के थोड़ा हिला के हमारी सब्जी तैयार।
आलू, छोटे आलू दबा के सब्जी तैयार। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप नीचे जो बना लाइक बटन है उसको ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के अच्छी अच्छी टेस्टी और ज़ायकेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाज़िर होंगी। आप ज़रूर मेरे चैनल कुक विद रीना को सब्सक्राइब करिए। अब इसको किस तरह से सर्व करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आप किसी सर्विंग बोल में इसको पलट लीजिए और फिर इसको अच्छे से हरी मिर्च और जो हरा धनिया है उसे आप इसको इस तरह से परोसिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप इस सब्जी को आपके अगर कोई मेहमान आए घर में उनको भी सर्व कर सकते हैं बाकी आइटम्स के साथ, या घर वाले आपके जो सूखे आलू के साथ रोटी हो जाए, पराठा हो जाए, पूरी हो जाए, किसी भी साथ इस ये बहुत मज़ेदार लगेगा। इसके साथ अचार दीजिए, रायता दीजिए, तो जायका आ जाएगा खाने में। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स को परोसिए। आपको ये ज़रूर मिस रेसिपी पसंद आई और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए कुक विद रीना। धन्यवाद, फिर मैं एक रेसिपी लेके आपसे मिलूँगी। बाय बाय।